नेपाल के ऊपर रोहित शर्मा के स्टेटमेंट के बाद अभी विराट कोहली, जिन्हें किंग कोहली भी कहा जाता है, जो भारत के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है एक नेपाल के कुशल ब्रुटेल के ऊपर कि एम्पायर ने है वो गलत किया, और जितने भी अगर हम मैच जीत भी गए तो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर है वो हमारी थूत हो रही है, मतलब भारत को है वो नीचा दिखाया जा रहा है बहुत से वीडियोस के अंदर कि एम्पायर है वो भारत के साथ मिला हुआ था या फिर एम्पायर ने है वो भारत से रिश्वत ली थी। तो इसी के बारे में जानेंगे कि विराट कोहली ने क्या कहा है इस मैच के बारे में। तो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं विराट कोहली के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से कुशल ब्रुटेल को है वो आउट किया गया। 19वें ओवर के अंदर जब कुशल ब्रुटेल खेल रहे थे, अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे कुशल ब्रुटेल, जब उन्होंने एक बैक शॉट की प्रयास किया था और प्रयास काफ़ी अच्छा था, उन्होंने बैक शॉट लगाया भी बहुत अच्छा था, पर वहाँ पर जो फील्डर मौजूद था उन्होंने कैच के लिए कूदे थे और कैच पकड़ भी लिया था, लेकिन जो कैच पकड़ा था उसके अंदर बॉल है वो आप देख सकते हो कि ग्राउंड के टच हो गई थी, और ग्राउंड के टच होने के बाद आप सभी को पता होगा कि कैच है वो मान्य नहीं होता, माना नहीं जाता, वहाँ पर किसी भी बैट्समैन को आउट है वो नहीं दिया जाता, लेकिन वहाँ पर जो उपस्थित एम्पायर था उसने उसको आउट दे दिया कुशल ब्रुटेल को। तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जो वायरल वीडियोज़ हैं वो चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो वीडियोज़ देख रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस पर विराट कोहली ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमने किसी भी एम्पायर को नहीं खरीदा है, किसी को एम्पायर को पैसे नहीं दिए हैं या फिर किसी भी एम्पायर को है वो अपनी तरफ नहीं किया है, नेपाल हमारा एक दोस्त है जिसे हम हारना भी नहीं चाहते थे, हराना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अगर एम्पायर की गलती हुई है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम हैं वो किसी भी एम्पायर को नहीं खरीदा है और एम्पायर की ही गलती है ये कि एम्पायर ने उसे झूठा जो आउट है वो दे दिया, इसमें भारत की है वो कोई भी गलती नहीं है, भारत ने किसी भी प्रकार की नाइंसाफी है वो नेपाल के साथ नहीं किया, यह है सिर्फ और सिर्फ एम्पायर की गलती है, जिसका पूरा दोष है वो एम्पायर को जाता है, भारत है वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, भारत किसी भी रूप से इस जो ये गलती हुई है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी प्रकार से इस जो गलती है वहाँ पर भारत का नाम है वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि ये गलती है वो सिर्फ एम्पायर की है और एम्पायर को ही इसका दोष है वो मिलना चाहिए, भारत की गलती ये बिल्कुल भी नहीं है, तो भारत को दोष ना दिया जाए, इस बात पर कहा है विराट कोहली ने। तो आपको क्या लगता है इसमें भारत की गलती है या एम्पायर की, कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी प्रकार की लेटेस्ट नेपाल न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी अगली नेपाल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।